यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको यूपी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी क्लास का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे कंप्लीट फॉर्म भरना है। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपका भी हो सकता है, आप अपने फादर का भी लगा सकते हैं या मदर का भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक फीस रिसिप्ट होनी चाहिए और आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप पोस्ट मेट्रिक या पोस्ट मेट्रिक अदर देन का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप प्री मेट्रिक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है और आपके पास पिछली क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, उसे आपको अपलोड करना है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने मोबाइल से भर रहे हैं तो अपने मोबाइल में आप एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो सेव कर लें क्योंकि आपको अपलोड करना पड़ेगा और उसका साइज़ भी 20 के भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइज़ कैसे कम करना है। और इसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट की पासबुक भी होनी चाहिए क्योंकि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेंगी। और इसके बाद अगर आप OBC, ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फॉर्म भरने के लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करना मैं आपको बता ही चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाती है, तो उस रजिस्ट्रेशन संख्या से आपको फॉर्म को लॉगिन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फ्रेश फॉर्म के लिए करा है या रिन्यूअल फॉर्म के लिए करा है। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था वो मैंने फ्रेश फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करा था क्योंकि फिलहाल रिन्यूअल फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्रेश फॉर्म कैसे भरना है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फ्रेश लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्री मेट्रिक स्टूडेंट लॉगिन। तो अगर आपने प्री मेट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन करा था तो आपको यहाँ पर प्री मेट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। और अगर आपने इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा था तो आपको यहां से इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करना है। और इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा है तो आपको यहां से पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट यहां से सेलेक्ट करना है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और यूपी में आकर स्टडी करते हैं तो आपको यहां से पोस्ट मेट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री मेट्रिक में कौन सी क्लास आती है, इंटरमीडिएट में कौन सी आती है और पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर में कौन सी क्लास आती है। तो देखिए दोस्तों, ये सब मैंने पार्ट वन में भी आपको बताया था। अगर आपने पार्ट वन देख लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्री मेट्रिक में 9th और 10th क्लास आती है और 11th और 12th इंटरमीडिएट स्टूडेंट में आती है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो वह आता है पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटर में, तो अपने अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एक 11th क्लास के स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूं तो मुझे यहां पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब इसके बाद आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिली थी वो आपको यहां पर एंटर करनी पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और इसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके बाद आपको एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड को आपको यहाँ एंटर करना है, जैसा लिखा है वैसा एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो थर्ड स्टेप है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इस पर। तो
तो अब यहां पर आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो इस फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एड्रेस यहां पर अपना एंटर कर दिया है। अब इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में आपको अपना पत्र व्यवहार पता यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वो एंटर करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में भी एड्रेस आपका आवासीय पता जैसा ही है तो आपको यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो एड्रेस आपने यहां एंटर किया है वो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस यहां पर एंटर हो जाएगा। आपको फिर से एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग एड्रेस है तो आपको अलग से एंटर करना पड़ेगा। आपको ये देख लेना है सबसे पहले। और इसके बाद आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए थे वो एंटर करने पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको पूर्णांक डालने हैं हाई स्कूल के यानी कि टोटल सब्जेक्ट के टोटल अंक डालने हैं आपको। और इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम आपको एंटर करना है। यहाँ से आप अपनी क्लास यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि डालनी है यानी कि मान लीजिए आपका एडमिशन 11th क्लास में 5 सितंबर को हुआ था तो आपको यहाँ पर 5 सितंबर डेट डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको बोर्ड में पंजीयन क्रमांक डालना है। ये आपको नहीं पता तो आप अपने स्कूल जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक नेम हैं तो आपको अपना बैंक नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो बैंक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में बैंक ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद आपका बैंक में जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। और इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है आपको। फिर से आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब इसके बाद में आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, दिवा छात्र और आवासीय छात्र। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यहाँ से आवासीय छात्र सिलेक्ट करना है। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते आपको यहाँ से दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क डालना है। अगर आपको नहीं पता तो आप स्कूल जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पिछली कक्षा डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपनी पिछली कक्षा का परीक्षा फल भी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। परीक्षा फल सिलेक्ट करने के बाद आपको पूर्णांक डालना है पिछली कक्षा का और आपके कितने मार्क्स आए थे वो डालने हैं आपको। और टोटल यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। और लास्ट में एक कोड होगा, इस कोड को आपको यहाँ पर इसे एंटर करना है जैसा लिखा है। और इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट फॉर्म भर लिया है। अब इसके बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉगिन पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमें 4th स्टेप कंप्लीट करना है जो कि है फोटो अपलोड करें। तो अब हमें फोटो अपलोड करना है, इसके लिए चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको अपने फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करना है अपनी गैलरी में से। आपके फोटो का साइज जो है वो 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके फोटो का साइज 20 KB से ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। अगर आपके फोटो का साइज ज्यादा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि आप फोटो का साइज कैसे कम कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से फोटो को चूज कर लेता हूँ। तो मैंने फोटो को चूज कर लिया है गैलरी में से। इसके बाद आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद आप अपने फोटो को यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद फोटो अपलोड करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर जाना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलत है तो आप इस ऑप्शन की मदद से सही कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। ये सब इनकम सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इस कोड को यहाँ पर आपको सामने एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है।
इसके बाद जैसे ही मैंने इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल डालकर सबमिट करा, तो यहाँ पर नेक्स्ट अब मुझे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल डालनी है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र की आवेदन फॉर्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, ये सब भी आपको जाति प्रमाण पत्र पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनकम सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल एंटर कर दी है, जैसे कि आवेदन फॉर्म संख्या, प्रमाण पत्र का क्रमांक, और यहाँ पर मैंने उपजाति भी सिलेक्ट कर ली है और कैप्चा कोड भी एंटर कर दिया है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही मैंने सबमिट करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट क्लिक हो चुका है, यानी कि हम आय एवं जाति प्रमाणीकरण कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो अब इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड वेरीफाई करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता देता हूँ, आपको यहाँ पर आधार कार्ड डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे और आधार OTP ऑथेंटिकेशन के लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने डाला था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त पर्सनल डिटेल एंटर की थी, जैसे कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तभी आप अपना डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इस स्टूडेंट का नेम है राकेश कुमार, तो आधार कार्ड में ओनली राकेश है, तो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा लें। इसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन के लिए भी आपको 3 चांस दिए गए हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद चलिए अब आपको आधार वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 बार अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया होगा, जैसा दिया गया है वैसा आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद आपको OTP डालना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने अभी आधार वेरीफाई नहीं करा है, क्योंकि मैं जिस विद्यार्थी का फॉर्म भर रहा हूँ उससे मुझे पूछना पड़ेगा कि उसका आधार कार्ड में नेम वही है या नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। जांच कराने के लिए एक आवेदन पत्र मिलेगा, इस पर क्लिक कर उसे आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। अगर आप अपने फोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अपने कॉलेज ले जा सकते हैं, और वहां पर आप वेरीफाई करा सकते हैं जो भी आपने डिटेल भरी है अपने फॉर्म में वो सही है नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ डिटेल गलत फिल कर दी है तो आप फिर से यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक कर आप यहाँ पर अपने डिटेल को सही कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। तो अगर आपका फॉर्म कम्प्लीटली सही है तो आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन बाद अपने फॉर्म को लॉगिन कर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, संस्था में जमा हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको फाइनल फॉर्म प्रिंट कर लेना है। तो फाइनल आवेदन पत्र को प्रिंट करने के बाद उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, उस पर लिखे होंगे, तो उन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने कॉलेज में आवेदन पत्र को सबमिट करना है। सबमिट जरूर करना है आवेदन पत्र को, क्योंकि अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इजीली अपना UP स्कॉलरशिप का कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।